दोस्तों, गुलाब के पौधे में बहुत बढ़िया ग्रोथ होती रहती है, चाहे वो ग्राफ्टेड हो चाहे वो आपके पास देसी गुलाब हो। हर एक महीने ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो ग्राफ्टेड पौधा है ये अच्छे फूल नहीं निकालता है गर्मी में, छोटे साइज़ के निकालता है, पर इसकी ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें जो न्यू लीव्स हैं जिसका जो कलर है आप देख सकते हो रेड टाइप होता है, अगर ये नहीं आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आप कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आप बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम जो फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं वो हम एलोवेरा से बनाएंगे। जो एलोवेरा होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी को भी और साथ में जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी। दरअसल इसमें क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो न्यू रूट ग्रोथ के लिए या फंगल इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा हमारे पौधों से दूर रखता है, और साथ में अगर आपके पौधे में ट्रांसप्लांट का शौक लगता है उसके लिए भी जो एलोवेरा का फर्टिलाइज़र है वो आप बनाकर तैयार करके हमारे पौधों में डाल सकते हो। इसलिए दोस्तों हम बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने एक बहुत ही हेल्दी जो आपके पास पत्ता होना चाहिए एलोवेरा का, जिसमें जो जेल है वो ज़रूर होनी चाहिए। जो हमारे पास एलोवेरा के लीव्स हैं इनको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काट लेंगे। जो आपके पास एक जो लीफ होगा उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें, और उसमें जो जेल होती है एलोवेरा की, यही सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इसमें प्ले करती है कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें पानी में कन्वर्ट करनी पड़ती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जेल है या फिर एलोवेरा का लीफ है इसको हम थोड़ा सा बीच में से भी तोड़ देंगे, जिसके साथ है जो जेल है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाएगी और पानी में स्लोली स्लोली इसका जो न्यूट्रिशन है या फिर इसका जो भी गुड इम्पैक्ट है हमारे पानी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र में बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरे पास करीब 1 लीटर पानी मैंने लिया है और एक जो मीडियम साइज़ का जो लीफ होता है उसको मैंने बिल्कुल इसमें मैश कर दिया है, और साथ में हम इसको अभी कम से कम 8 घंटों के लिए क्या करेंगे, जो शेडी एरिया है वहाँ पे रख देंगे। 8 घंटों के बाद दोस्तों आपका जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये 8 घंटे तक क्या होगा, इसका जो थोड़ा सा कलर है वो येलोनेस आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक स्प्रेयर लेना है। स्प्रेयर में आपने जो ये वाला फर्टिलाइज़र है इसको छान कर डाल लेना है। ध्यान रखें जो स्प्रेयर है, अगर इसमें आपने जेल भी इसकी डाल दी तो नोज़ल है वहाँ से स्प्रेइंग जो होती है पानी की वो अच्छे से नहीं होगी, इसलिए इसको पहले कोई भी आपके पास छन्नी है उससे आप छान लें और उसके बाद अपने पत्तों की जो फॉइल है इसके ऊपर स्प्रे कर दें। इसके साथ ही अगर कोई पौधा आप न्यू लगाते हो या फिर आप बीज लगाने की कोशिश कर रहे हो तो उसके ऊपर जैसे हम नॉर्मल पानी छिड़कते हैं उसके आप एलोवेरा जेल है जो इसका एक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाइए और उसमें डाल दीजिए। गुलाब के लिए दोस्तों जैसे आपको पता है लगातार बारिश होने के कारण काफ़ी बार इसमें फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये हम फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से बना सकते हैं, और साथ में जो पौधे में ग्रीननेस है या फिर इसकी जो बुशीनेस है वो भी मेंटेन रहती है, आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि हम गुलाब को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बढ़िया मौसम चल रहा है अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हो। मेरे पास यहाँ पे 2 कटिंग्स हैं और मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ्टेड गुलाब की कटिंग्स हमारे यहाँ पे लग तो जाती हैं पर उसमें फूल छोटे आते हैं या काफ़ी बार वो लगने के बाद ही मर जाती हैं। इसीलिए बढ़िया एक्सपीरियंस लेने के लिए देसी गुलाब की आप पेंसिल साइज़ की कटिंग्स ले लें, जो अच्छी जो थिकनेस की होनी चाहिए, और साथ में आपने जो सॉइल मिक्सचर लेना है कटिंग के लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, हमारे पास 30% सॉइल थी, मैंने 40% कोकोपीड ली है और जो हमारे पास 30% बच गया है उस हम वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे। ये दोस्तों जो भी आप कटिंग लगाते हो उसमें सबसे मेन चीज़ रहती है कि हमारे पौधे में जो मॉइस्चर है वो होना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चर होने के लिए जो सॉइल है वो भी पोरस होनी चाहिए, जिसमें पानी अच्छे से रिटेन कर पाए और साथ में मॉइस्चर के लेवल भी उसमें बढ़िया मेंटेन रहे। इसलिए आप ऐसा अगर सॉइल मिक्सचर बनाओगे कटिंग्स के लिए आपकी कटिंग्स 100% वर्क करेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनको क्लियर कट दिया हुआ है, जहाँ से इसका कट पार्ट है वहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको जो एलोवेरा जेल होती है उसमें डिप कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रूटिंग हार्मोन के लिए बहुत बढ़िया एक्ट करता है, और इसी साथ जो हमारी जो गुलाब की कटिंग्स हैं कम से कम 20 या 25 दिन ले लेंगी ग्रो होने के लिए। तब तक दोस्तों आपने क्या करना है, इन दोनों जो कटिंग्स मैंने लगाई हैं इनको लगा के अच्छे से पानी देकर शेडी एरिया में रख देना है। हो सके अगर आपके पास पॉलीथीन है जो लिफाफा ट्रांसपेरेंट होता है
उसके साथ कटिंग्स को कवर कर देंगे, जिसके साथ जो मॉइस्चर लेवल है कटिंग्स में वो इसमें ही रहेगा और साथ में जो हमारी जो कटिंग्स है बहुत अच्छे से रूट कर जाएंगी। 10 दिन पहले 10 दिन में आपको लगेगा कि कटिंग्स रूट करना शुरू कर गई क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज है उसमें पत्ते नए आने शुरू हो जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि ये रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। रूटिंग के लिए कम से कम इनको 25 दिन चाहिए। इसके लिए 25 दिन से पहले इनको कभी भी उखाड़ के मत देखें क्योंकि उसके साथ जो पौधा है ख़राब हो सकता है। और अभी हम बात करते हैं कि कंपोस्ट रोज़ को पसंद है या नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था, जो आपके पास रोज़ के प्लांट होते हैं ये एसिडिक सॉइल को प्रेफर करते हैं, जिसके कारण जो लीफ कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है या गले सड़े पत्तों से हम द्वारा जो खाद बनाते हैं वो सभी जो गुलाब के पौधों को पसंद होती है। पर उसमें आपको एक चीज़ का बेहद ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रॉपरली डीकम्पोस्ट होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बार जो कच्ची खाद है पौधों को जला भी सकती है। यहाँ पर मेरे पास लीफ कंपोस्ट है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। गुलाब के लिए चाहे आप कोई भी कंपोस्ट लें, गुलाब उससे बहुत ज़्यादा फायदा लेता है क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट माना जाता है और साथ में इसको जो एसिडिक सॉइल है, जो एसिडिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो पसंद होते हैं। कंपोस्ट आपने गमले के हिसाब से डालनी है। मैं यहाँ पे आप कह सकते हैं एक मुट्ठी के आसपास 8 इंच के गमले में डाल रहा हूँ। और डालने के लिए आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी भी बहुत ज़रूरी है और साथ में जो सेमी मॉइस्ट सॉइल होनी चाहिए। अगर पूरी डैम्प सॉइल है उसमें कभी भी आप कंपोस्ट मत डालिए। जितनी ज़्यादा पौधे की जो लेयर है वो सूखी रहेगी उस वक्त जो कंपोस्ट डालने का फ़ायदा ज़्यादा रहेगा क्योंकि पानी रूट्स को चाहिए होगा, जब भी पानी लगेगा कंपोस्ट के थ्रू उसकी रूट्स को जाएगा, जिसके कारण इसको पूरा बेनिफिट मिलेगा और आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कंपोस्ट डालना चाहें। हमेशा जो ऑर्गेनिक है, गली सड़ी है, अच्छे से डीकम्पोस्ड है, वही कंपोस्ट इसमें डालने की कोशिश करें। और इसके साथ ही एक बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो गुलाब में फंजीसाइड यूज़ करते हो उसके अलावा क्या हम और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ जहाँ से हम उसको प्रून करते हैं वहाँ से फंगस ना फैल सके। सो इसी के लिए मैं आपको एक और अल्टरनेटिव बताने जा रहा हूँ जो प्रॉपरली ऑर्गेनिक है और आपकी ये घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। जो भी आप कटिंग्स करते हो गुलाब की, आप इनको भी लगा के देख सकते हो। काफ़ी बार जो ग्राफ्टेड गुलाब हैं ये चल भी जाते हैं पर फूल छोटे निकालते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है ये हल्दी पाउडर है दोस्तों, जो हमारे पास टर्मेरिक पाउडर किचन में इस्तेमाल होता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसके कारण इसमें इसके करीब कोई भी बैक्टीरिया या फिर कीड़ा या फिर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं आ सकती जो हमारे पौधे को नुकसान दे। इसीलिए आप जो हल्दी पाउडर है ये भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फंजीसाइड, नेचुरल फंजीसाइड ये कहा जाता है। और ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं अगर आप अपने पौधों में फॉलो करोगे, अगर आप पौधों में डालोगे तो आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। हर एक फर्टिलाइज़र अगर आप डालना चाहते हैं तो उसको डालने के लिए कम से कम 25 दिनों का जो गैप है इन बिटवीन जरूर दीजिए, जिसके साथ जो पौधा है स्ट्रेस में भी ना चला जाए, ओवर फर्टिलाइज भी ना हो। ये दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसलिए अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरी वीडियोज़ आगे जाएंगी और बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करिएगा आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel and also click the bell icon to get regular updates from my channel. Thank you.